ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 13 एक तिनका। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। फर्स्ट पैराग्राफ है, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो लेखक जो कवि है वो कह रहा है कि एक दिन वो अपने घर की मुंडेर पर मीन्स छत के ऊपर जो हम सेफ्टी के लिए एक वॉल बनाते हैं उसको मुंडेर कहते हैं, उसके ऊपर ये खड़ा हुआ है और घमंड में ऐठा हुआ है, भरा हुआ है उसके अंदर घमंड कि उससे बड़ा कोई भी नहीं है। इतने में क्या हुआ, अचानक दूर से उड़ता हुआ, हवा के साथ उड़ता हुआ एक तिनका मीन्स ड्राई जो ग्रास होती है उसका एक पीस आया और उसकी आँख के अंदर गिर गया। तो जैसे आँख के अंदर जब ड्राई पीस आकर किसी ग्रास का गिरता है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत आँखों में कष्ट होता है, बहुत दर्द होता है, आंसू आने लगते हैं और हम उसे निकालने का प्रयास करते हैं। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। तो जैसे ही आँख के अंदर वो तिनका आकर गिरा तो वो झिझक गया और बेचैन हो गया। ये आपके साथ भी हुआ होगा, कभी ना कभी आपकी आँख में कुछ गिर जाता है तो आप कैसे बेचैन हो जाते हैं। लाल होकर आँख भी दुखने लगी, आँख से पानी आने लगता है बहुत ज़्यादा और आँख लाल हो जाती है, वैसे ही इस कवि की हुई। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, और लोग क्या करते हैं, कपड़े को ऐसे एक जगह पे इकट्ठा करके और उससे आँखों के ऊपर सेक करने लगते हैं। तो ऐसे ही लोग जो करने लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव गई, और मेरी जो ऐंठ थी, मेरा जो घमंड था, वो बेचारा चुपचाप दबे पाँव चला गया। क्योंकि एक जो बड़ा सा इंसान है उसको किसकी वजह से परेशानी हो गई, छोटे से तिनके की वजह से। जब किसी डब से निकल तिनका गया तब समझ में यों मुझे ताना दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो जब किसी ने ऐसे ही प्रयास किया और अचानक से उसका जो आँख में पड़ा हुआ जो तिनका था वो निकल गया, तो उसकी समझ ने, उसकी बुद्धि ने उसको ये ताना दिया। क्या ताना दिया कि तू किस चीज़ के ऊपर इतना ऐठ रहा था, किस चीज़ के लिए तू अपने आप को बड़ा समझ रहा था, एक दिन का है तेरी ऐंठ को, तेरे घमंड को छोटा करने के लिए या ख़त्म करने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। तो इस पूरी कविता के अंदर ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जो उनका नाम भी है उससे उन्होंने लिखी है, और उन्होंने बताया है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति इस संसार में, इस प्रकृति के अंदर अपना अपना काम करने के लिए आए हैं, इसीलिए सभी अपने स्थान पर इम्पॉर्टेंट हैं। आप भले ही बहुत पैसे वाले हैं या बहुत बड़े हैं या पढ़ाई में भी हो सकता है बहुत अच्छे हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गरीब इंसान है या जो आपसे पढ़ने में कमज़ोर बच्चे हैं आप उनका मजाक उड़ाएंगे या उन्हें अपने से छोटा समझेंगे, ऐसा आप कभी ना करें। तो इसी के साथ ही कविता का भावार्थ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ मुझे एक कॉमेंट ज़रूर लिखें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।